अगर सरकार व विभाग हिमाचल पथ परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती हैं तो आगामी समय में तकनीकी कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगा। ये बात हिमाचल पथ परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारी संघ के राज्य मुख्य सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। हिमाचल पथ परिवहन निगम तकनीकी कर्मचारी संघ का सरकार और विभाग के प्रति रोष प्रदर्शन जारी है। फिलहाल तकनीकी कर्मचारी संघ शांतिपूर्ण धरना और काले बिल्ले लगाकर प्रदेश सरकार और विभाग के प्रति अपना रोष प्रकट कर रहा है, लेकिन अगर समय रहते संघ की मांगें पूरी नहीं हुई तो संघ ने उग्र आंदोलन तक की चेतावनी सरकार और विभाग को दी है। संघ ने चेताया है कि एक सप्ताह के शांतिपूर्ण रोष प्रदर्शन के बाद मांगे न मानने की स्थिति में परिवहन निदेशालय का घेराव किया जाएगा और अगर फिर भी संघ की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारी संघ चक्का जाम करेगा। हिमाचल पथ परिवहन तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश मुख्य सलाहकार राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सरकार व विभाग लंबे समय से तकनीकी कर्मचारियों की लंबित पड़ी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से सरकार व विभाग तकनीकी कर्मचारियों को नजरअंदाज करता रहेगा तो कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत पीस मील कर्मचारियों को अनुबंध में लाया जाए और साथ ही नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की कार्य करने वाली जगह की स्थिति को सुधारा जाए। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि सरकार व विभाग उनकी मांगों पर अवश्य विचार करेगा। ये बहुत समय से हमारी मांगे जो है वो पेंडिंग है और HRTC मैनेजमेंट के पास समय समय पर हम अपनी बातें जो है वो रखते रहे हैं, मगर अभी तक जो है वो 2-3 साल का पीरियड हो चुका है, मगर इन डिमांडों के ऊपर जो है वो कोई भी कार्रवाई जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से नहीं की गई है और मजबूरन कर्मचारियों को जो है वो एक ये प्रदर्शन रोष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अभी ये हमारा रोष प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से है। हम अपने लंच आवर्स में जो है वो गेट मीटिंग कर रहे हैं और गेट मीटिंग के माध्यम से अपने कर्मचारियों को, अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को और सरकार को जो है वो अवगत करवाना चाह रहे हैं कि हमारी मुख्य मांगें क्या है। तो एक हफ्ते का हमारा जो है ये गेट मीटिंग का कार्यक्रम है और रोष स्वरूप हम जो है वो ब्लैक बैजेस लगा के अपना कार्य कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगें हैं उनमें एक तो पीस मेल वर्कर्स जो हमारे पास है इनके लिए, ये वैसे तो पीस मेल पॉलिसी जो है वो काफ़ी समय से चली हुई है, 2009-10 से जो है वो पीस मेल वर्कर हमारे पास आने शुरू हुए। इनके लिए 2015 में जो है वो पॉलिसी बनी थी कि जिन पीस मेल वर्कर्स ने 5 साल ITI होल्डर्स और 6 साल जो है नॉन ITI होल्डर्स ने अपना पीरियड पूरा कर लिया है उनको जो है वो अनुबंध के ऊपर जो है वो कन्वर्टेड कर दिया गया था। तो ऐसे हमारे 3 बैच जो है वो पिछली पॉलिसी के तहत अनुबंध के ऊपर आ गए थे, मगर अभी 2017 से जो है वो उस पॉलिसी के तहत भी पीस मेल जो है वो जो जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है वो अनुबंध के ऊपर जो है वो परिवर्तित नहीं किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।